بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات بيدي محمد نیچے تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ عابدی صاحب نے جو اعلان فرمایا تھا کہ چند ساعتوں میں میں ممبر پہ حاضر ہونے والا ہوں وہ مجازی گفتگو تھی ان کا مقصود تھا چند لمحوں میں میں ممبر پہ آنے والا ہوں اس لیے کہ انتظار کے لمحے بھی ساعت معلوم ہوتے ہیں مجلس شروع ہو گئی ہے لہذا آپ حضرات فرش ادا پہ تشریف لے آئیں عزیزان محترم روزانہ آپ حضرات کے سامنے سیرت معصومین اور سیرت معصومین کی روشنی میں ہماری زندگی کے عنوان سے حدیث ثقلین کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد تبلیغ کے جو مراحل گزارے ہیں وہ تین منزلیں ہیں سورہ اقرا کی ابتدائی آیات آنے سے بعثت ہوئی یعنی اب پیغمبر کو ہوا کہ اپنے کام کا آغاز کر دیں پیغمبر اکرم نے تبلیغ شروع کی مگر ابتدا میں پیغمبر نے جو تبلیغ شروع کی ہے دین کی اور دین کا پیغام پہنچایا ہے وہ عام نہیں تھا بلکہ کچھ خاص لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا اور اس کے بعد پھر جب یہ حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے عذاب الہی سے اور ان کے اندر تبلیغ شروع کیجئے تو پیغمبر نے خاندان کے 40 لوگوں کو دعوت کی جو دعوت ذو العشیرہ کے نام سے مشہور ہے ذو العشیرہ کی دعوت خاندان کے لوگوں کے درمیان تھی اس کے بعد پھر حضور نے عام تبلیغ شروع کی
मैंने ये चंद कलमात इसलिए कहे हैं कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पैगंबर अकरम ने आगाज पैगाम दीन से हिफाजत दीन का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अपनी रिसालत की खबर बाद में दी है, तौहीद का पैगाम बाद में दिया है, रिसालत का पैगाम बाद में दिया है, विलायत का पैगाम उससे पहले दिया है, तो ये बेजा बात नहीं होगी। इसलिए कि जब दावत जुलशीरा में गुफ्तगू पूरी कहानी पूरी दास्तान मुझे आपको नहीं सुनाना, वह आप रोज सुनते रहते हैं, मैं सिर्फ उसके एक हिस्से की तरफ आप हजरात को मुतवज्जे करना चाहता हूं कि जब पैगंबर को गुफ्तगू का मौका मिल गया, और वो भी कब मिला, जब अबू तालिब खड़े हो गए तब पैगंबर को गुफ्तगू का मौका मिला, और उसके बाद पैगंबर ने बात शुरू की तो पैगंबर ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान मैं खैर दुनिया और आखिरत लेके आया हूं। अब नेचुरल सी बात यह है कि पहले यह कहते हैं कि कौन क्या है वो आखिर, वो क्या चीज है जो लेके आए हैं, पैगाम तौहीद है, अकीदा आखिरत है, रिसालत का ऐलान है, कुरान आएगा, किताब खुदा नाजिल होगी, वही का सिलसिला जारी होगा, दीन के पैगाम आएंगे, वो सब बताए पैगंबर। लेकिन जुलशीरा की तारीख कहती है पैगंबर ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान खैर दुनिया और आखिरत लेके आया हूं, और उसके बारे में कोई गुफ्तगू करने से पहले पैगंबर फरमाते हैं कि तुम में से कौन इस अमर में मेरी मदद करेगा, और जो भी मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी होगा, मेरा वली होगा, मेरा खलीफा होगा। मैंने तारीख का टुकड़ा सिर्फ आपको इसलिए याद दिलाया अजीजों कि पैगंबर की निगाह में हिफाजत दीन का मसला इतना अहम था कि दीन के पहुंचाने का काम बाद में किया है, महाफिज दीन का तारुफ पहले कर रहा है। पूरी तारीख आपकी निगाहों के सामने है, मौला अली उठ के खड़े हुए और उसके बाद पैगंबर ने उनके पुश्ते मुबारक पे हाथ रखा और उनको आपने आगे किया, मौला ने अपनी कमसिनी का तस्करा भी किया था और अपने बदन की तरफ भी इशारा किया था कि मुझ में कितनी ताकत है, इस वक्त बचपन है मेरा, 10-11 साल की उम्र है, मगर उसी कमसिनी और उसी कमसिनी वाली ताकत को पैगंबर ने कबूल करके बता दिया कि ये मेरा वसी है, मेरा वली है, बच्चा है तब भी यही। तारीख के इस टुकड़े को मैंने आपको इसलिए याद दिलाया कि ये महसूस कर सकें कि इलाही निजाम में जितनी अहमियत दीन के पैगाम के पहुंचाने की है, कम अज कम उतनी ही अहमियत हिफाजत दीन की भी है। इसलिए कि तौहीद या रिसालत या कयामत का अकीदा पहुंचे और उसके हिफाजत का इंतजाम ना हो तो वो रहेगा कहां, कुर्बानियां भी दी जाए, तकलीफें भी उठाई जाए और बाकी ना रह जाए। इसलिए पैगंबर ने तबलीग के पहले मरहले में जहां लोगों के सामने आके तबलीग शुरू की है, वहां पर सबसे पहले हिफाजत का इंतजाम किया दीन की, और वो विलायत और वसायत के ऐलान की शक्ल में। मेरे मुरब्बी में उनके बातें भी आपके सामने दोहराता रहता हूं, कभी उनका नाम लेता हूं, कभी नाम नहीं भी लेता हूं। मौलाना सैयद गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा जो पूरी कौम के मुरब्बी थे हिंदुस्तान में, उनकी एक बात इस मौके पे मैं हमेशा दोहराता हूं, उनकी छपी हुई किताब मजलिसों की मौजूद है, उसमें अभी मक्तूब है लेकिन मैं अपने नौजवानों के लिए मुंतकिल कर रहा हूं कि जब इस तारीख के हिस्से पे निगाह डालें, हमारे दरमियान एक बहस यह है कि सबसे पहले इस्लाम कौन लाया, सबसे पहले इस्लाम कौन लाया, फिर उसमें कैटेगरीज बनाई गई औरतों में ये और बूढ़ों में ये और बच्चों में ये। वो इस सिलसिले में एक बात इंतहाई काबिले तवज्जो का, हयात पैगंबर में जब तबलीग का आगाज हुआ है तो उसके तीन मरहले तबलीग के दिखाई देते हैं। जुल अशीरा तबलीग की पहली मंजिल नहीं है, पहले पैगंबर ने तकरीबन 3 साल छुप छुप के तबलीग की। अब जो खुल के तबलीग का हुक्म हुआ वह अंजिर अशीरतक अल अकरबीन, तो अपने खानदान वालों को बुलाया, फैमिली वालों को बुलाया, कुंबे वालों को बुलाया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं घराने वालों को बुलाया। अगर आज इस लफ्ज की तरफ मुतवज्जे होंगे तो पूरी बात की लज्जत और लुत्फ को महसूस करेंगे, लताफत को महसूस करेंगे। तो जुल अशिया में जो तबलीग हुई है वो घराने में तबलीग हुई है।
इस घराने से निकल के, खानदान के दायरे से निकल के फिर सारे आम मुसलमानों में तबलीग हुई। तो एक मरहले तबलीग ज़ुलअशीरा के घराने की तबलीग के बाद है और यह पहला मरहला नहीं, इससे पहले एक और तबलीग है। तो घराने से छोटी जगह कौन सी है? घराने का मतलब चचा का घर भी, मामू का घर भी, पूरा कुनबा, पूरा खानदान ये घराना कहलाता है। ये मेरा घराना है और उसके बाद मैं कहता हूं और उसमें ये मेरा घर है। तो तबलीग के हैं तीन मरहले, एक है घर में तबलीग, दूसरे है घराने में तबलीग, तीसरे है आम मुसलमानों में तबलीग। मेरे अजीजों, अगर ढूंढना है कि पहला मुसलमान कहां है तो उसे कहां ढूंढना चाहिए? जहां सबसे पहले तबलीग शुरू हुई है। तो पहला मुसलमान ना आम मुसलमानों में मिलेगा ना घराने में मिलेगा, पहला मुसलमान तो पैगंबर के घर में मिलेगा। इससे बाहर ढूंढना बेकार। हिफाजत दीन का इंतजाम पहले किया है और उसी सिलसिले हिफाजत दीन की पहली कड़ी का नाम है अली अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आज अदादार उस अजीम शख्सियत को याद करने के लिए जमा हुए। आज की सुबह वो सुबह है जिस पर दुनिया उस नेमत से महरूमी की तरफ चली है जिससे महरूमी रिसालत की, रसूल अकरम की वफात के बाद सबसे बड़ी महरूमी। मौला अली की जात ग्रामी सर पे जरबत लगी 19 रमजान की सुबह और उसके बाद 21 रमजान की सुबह आपकी शहादत वाकई हुई। गुफ्तगू हम आप हमेशा सुनते रहते हैं बुजुर्गों के बारे में, शख्सियात के बारे में। मैं सिर्फ एक पहलू पर जितना वक्त है उसमें एक रुख पर सिर्फ गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, परवरदगार आलम ने इन्हें मुहाफिज़े दीन बना के भेजा था। जो पैगाम दीन लेकर अल्लाह की बारगाह से आया वो तो जब पैगाम पहुंचाना शुरू करेगा पहचान लिया जाएगा। वो जब पैगाम पहुंचाएगा, ये आयत आई, ये वही आई, ये सूरा आया, अल्लाह ने ये हुक्म भेजा, ये करो ये ना करो, तो खुद खुद पहचान लिया जाएगा। कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, मौजजा दिखाएंगे, मौजजे के बाद मान लेंगे। लेकिन जो मुहाफिज़े दीन बन के आया उसको पहचान माना कि कौन इनके दरमियान मुहाफिज है और वो भी अल्लाह की तरफ से आया। तो ये ना हम पहचान सकते हैं ना, इसलिए कि कौन इनमें से मुहाफिज़े दीन बनने की सलाहियत रखता है। जैसे दीन के लाने की सलाहियत कौन रखता है ये अल्लाह जानता है, बंदे नहीं जानते। वैसे कौन इस दीन को बचाने की सलाहियत रखता है ये भी अल्लाह जानता है, बंदे नहीं जानते। बंदा पहचानना जाएगा पहचानवाने के तरीके क्या हैं, उससे पहले का हाथी और रहबर बताए और फिर वो अपनी गुफ्तगू से, अपनी सलाहियतों से, अपने करामात से, अपने मौजजात से जहां जैसी जरूरत हो खुद अपने आप को पहचानवाए। पैगंबर ने फरमाया मैं दो बराबर की कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत। एक जुमले में तवज्जो देंगे मेरे अजीजों, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत। कुरान मौजदा है, पिछले सारे नबियों में और आखिरी नबी में जो फासले हैं उनमें एक फर्क और एक फासला यह है कि पैगंबर आखिर से पहले जो आए नबी और रसूल उनका मौजदा अलग था और उनकी किताब अलग थी। जनाब मूसा का मौजदा उनका आशा यानी बैजा था, उनकी किताब तौरात थी। जनाब ईसा का मौजदा मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को शिफा देना था, उनकी किताब इंजील थी। मौजदे अलग थे, किताब अलग थी, मगर पैगंबर आखिर के मौजदे तो मुतातिर हैं, लेकिन उनकी किताब ही उनका वो मौजदा है जो कयामत तक बाकी रहेगा। मुझे जो लफ्ज आपकी खिदमत में कहना है, पैगंबर सादिको अमीन जिसकी सच्चाई को काफिर और दुश्मन भी मानता है, वो जब कहे कि मैं दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं तो इसका मतलब जैसे कुरान मौजदा है वैसे वैसे हलवे की पूरी जिंदगी भी मौजदा है, मौजदा ही मौजदा।
معجزہ ہے تو کہاں گفتگو ہو سکتی ہے؟ پوری زندگی کے جس پہلو میں نظر ڈالیے وہ زندگی کا وہ حصہ ہی معجزہ نظر آتا ہے. ساری رات عبادتیں دیکھ کے سوچئے اب اور کیا کیا ہوگا. ہم آپ تھوڑا سی کسی رخ پہ چلے جاتے ہیں کسی کام میں, کچھ کو عبادت کا شوق ہو گیا تو مسلح سے اتنا پکڑ نزدیک ہو جاتے ہیں کہ اب موقع نہیں ملتا ہے کہ کچھ بندگان خدا کی خدمت کریں, قرآن سے وابستہ دعائیں پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اسپتالوں میں جا کے بیماروں کی خبر لیں یا کسی غریب کی مدد کریں. دوسری طرف ہم اپنے درمیان ایسے تمام لوگ دیکھتے ہیں, سوشل ورکرز, خدمت خلق میں لگے ہوئے, غریبوں کی مدد بھی ہے, دین کا کام بھی ہے, بیماروں کی خدمت بھی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان دین کا پیغام بھی پہنچانا, جاہلوں کو علم سے بھی آراستہ کرنا, سارا سوشل ورک ہو رہا, لیکن یہ ادھر لگ جاتے ہیں تو ادھر سے کم ہو جاتے ہیں. نماز ہو رہی ہے مصلی سے غائب ہے, مجلس ہو رہی ہے فرش ادا سے غائب ہے, میٹنگ چل رہی ہے, اس وقت نہیں چل رہی مسلمان لے جاؤں. چل رہی ہوتی تو ہرگز نہ کہتا ایک صلوات اور بھیجا. ہم سب کی زندگی میں محمد, ہم لوگ دینی تعلیم حاصل کر کے کار دین میں لگ جاتے ہیں, مدرسے میں پڑھانا, مجلس پڑھنا, تبلیغ کرنا, نماز پڑھانے جانا, مومنین درمیان پیغام دین پہنچانا, ہم زندگی کے دوسرے حصوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ہم انسانوں کی کمزوری یہ ہے کہ اسی ایک کام میں لگتے ہیں, کوئی بزنس میں لگ گیا تو بچوں کی فرصت نہیں اس کے پاس. ہم سب اپنوں کو دیکھ لیں, ہماری سب کی زندگی, ہماری ذرا علاقائی زبان میں ایکانگی زندگی ہے. ایکانگی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. دو پیروں پہ جو آدمی کھڑا ہو, نماز کی تہذیب سکھائی گئی ہے دونوں پیروں پہ برابر لوڈ لے کے کھڑے ہو. ہم میں سے اکثر ایک پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں, اس سے بھی مداریاں آتی ہیں, کبھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, کبھی گھٹنا ٹیڑھا ہو جاتا ہے, میرے دونوں ٹیڑھے ہیں. مذہب کہتا دونوں پر برابر لوڈ لو. احکام خدا کی اگر تیکھی سی پابندی کرے تو نہ جانے کتنی بڑی بڑی مشکلوں سے بچتے رہیں, ہمیں تو پتا بھی نہیں چلے گا. اب اگر کوئی ایک پیر پہ کھڑا ہو, ایک پہ کم لوڈ دے, تو ہم کہیں گے یہ کنگا کھڑا ہے. تو ہم سب کی کنگی زندگی, کوئی کاروبار لگ گیا بچوں کو بھول گیا, کوئی بچوں کی خدمت میں لگ گیا, بیگم کی مزاج پرسی میں لگ گیا, اس سے دادا کا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے, تو کاروبار بیٹھا جا رہا ہے, کوئی بیگم بیوی بچوں اور کاروبار میں تنا لگا ہے کہ مسجد چھوٹی جا رہی, کوئی مسجد میں لگا ہوا ہے تو گھر چھوٹا جا رہا, ہمارے یہاں کہیں بیلنس نہیں ہے. ہم تھوڑا تھوڑا سے کچھ کرتے ہیں تو ہم بیلنس کھو دیتے ہیں میرے عزیزو, مگر یہ ان کی زندگی کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ جس گھر سے ساری ساری رات تکبیروں کی آوازیں آتی ہیں, جب دن ہوتا ہے تو صبح سے شام تک یہ کھیتوں میں پھاڑا چلاتے دکھائی دیتے ہیں. ان کی زندگی میں جہاں روٹی کے ٹکڑے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ درے خیبر کو اکھاڑنے والا ہاتھوں سے توڑ کے نہیں کھا پاتا, گھٹنوں سے توڑ کے کھاتا ہے, ایک طرف ایسی تندرستی دکھائی دیتی ہے, دوسری طرف وہ سخاوت ہے کہ کوئی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. ان کی زندگی کا معجزے کا ثبوت یہ ہے کہ زندگی کے ہر رخ میں اور ہر پہلو میں کامل ہے. میدان جنگ میں جا کے دیکھیے تو لگے گا کہ لڑنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہوگا. ممبر میں جا کے دیکھیے تو لگے گا کہ سوائے پڑھنے کے علاوہ اور پڑھانے کے علاوہ اور کیا کیا ہوگا. مسلے پہ دیکھیے تو لگے گا بس نماز ہی پڑھی ہوگی. آپ ان کی سیرت کے چیپٹرز کو الگ الگ پڑھنا شروع کیجئے, خالی عبادت پڑھیے تو لگے گا اور کچھ نہ کیا ہوگا. پھر دیکھیے کہ خدمت مردوں کیسے کی لوگوں کی, راتوں کو نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور 40-40 گھرانوں کو راتوں میں پیٹ پر روٹی کی بوریاں لاد کے 40 فیملیز بھی پالی جا رہی ہیں. ان کے جس کام کو دیکھیے لگتا ہے کہ یہی اس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا, یا تو بس نماز پڑھی ہوگی, یا بس روزے رکھے ہوں گے, یا بس بہادری کے تیور دکھ رہے ہوں گے میدان جنگ میں, مگر یہ ان کی زندگی کا معجزہ ہے کہ ہم سب مل کے بھی جو الگ ایک ساتھ پوری قوم جو کاموں کو ٹھیک سے نہیں کر پاتی ہے, یہ ایک اکیلے پوری امت کے لیے وہ سارے فرائض انجام دیتا ہے. ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کا ایک بہترین موقع یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بیلنس پیدا کریں, اور دشوار ترین کام بھی یہی ہے بیلنس پیدا کرنا. ہماری بہت سی عظیم ترین شخصیتیں ہیں جن کو ہم واقعی ٹھیک سے پہچانتے نہیں ہیں. جناب بہلول کا نام آتا ہے تو ہمارے لبوں پہ
तबस्सुम आने लगता, हम हंसने लगते हैं कि कोई जोक सुनने को मिलेगा, मगर आप जानते हैं वो लोग कौन थे? मजलूम कायनात की फेहरिस्त बनेगी तो उसमें से एक बहलोल है, मजलूमी ने कायनात की फेहरिस्त बनाई जाएगा। क्यों? दौरे बनी अब्बास में, मुझे बादशाह का नाम याद नहीं कि हारून था या उससे पहले वाला हारून, ममलकते इस्लामिया जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत है, इससे बड़ी कोई हुकूमत नहीं, सबसे बड़ी आबादी इसमें, इसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसे काजिल कुदात कहा जाता है, हारून जानता है कि ये किस मिजाज के हैं, किस सोच के हैं, किस फिक्र के हैं, कहां से वाबस्ता हैं। मगर एक मुहावरा उर्दू का अगरचे यहां के लिए नहीं, लेकिन है मिलता जुलता, जादू वही तो है जो सर चढ़ के बोले, मालूम है कि कौन है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी इल्मी हैसियत है कि जानता है किससे वाबस्ता है, लेकिन फिर भी मजबूर है कि तुम्हें काजिल कुदात बनना पड़ेगा। हारून ने काजिल कुदात चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमारे पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल में, यहां तो मुझे नहीं पता क्या है, यहां हर कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, कुछ इस टाइप का भी है थोड़ा बहुत, यानी पूरे मुल्क में एक होता है बस, उसकी ऑफर है, इमाम के पास लिखे भेजा। रिवायत कहती है कि इमाम की तरफ से स्लिप आई छोटी से, देखा, इमाम से पूछा था क्या करना है मुझे, इमाम ने सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, जुन्न, दीवानगी अख्तियार कर लो। पूरी उस वक्त की मुमलकत इस्लामिया में जो आलिम तरीन इंसान था वह दीवाना कहलाया, क्या जुल्म के अलावा क्या है मेरे, मगर उस वक्त भी उनके हर अमल में कोई ना कोई पैगाम होता था। मैंने इस वक्त क्या गुफ्तगू शुरू की आपकी खिदमत में कि मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मौजज़ा ही मौजज़ा है उनकी जिंदगी, हम तो उसमें मौजज़ा ढूंढते पड़ते हैं, कालीन को शेर बनाया तो मौजज़ा समझते हैं, और रोटी जादूगर हटा रहा था तो शेर जो कालीन का बना उसने जादूगर को खा लिया तब हम उसे मौजज़ा समझते हैं, हम चंद छोटे छोटे वाकयात को मौजज़ा समझते हैं, उनकी जिंदगी के बड़े बड़े मौजज़े तो ये हैं कि कोई साल दरवाजे से खाली नहीं जाता, तीन दिन के फाके गुजरते हैं, रातों को रात भर तकबीरों की आवाजें आती हैं, सुबह खेतों में काम करते हुए दिखाई देते हैं, बरसते हुए तीरों में मुसल्ला बिछा देते हैं तो खिंची हुई तलवारों में ठाट से चादर तान के सो जाते हैं। थोड़ी उर्दू मजबूत करते रहे, मैंने इसीलिए इंग्लिश में बोल दी और उर्दू भी बोल दी। मुतवाज़िन जिंदगी बसर करने का सबक हमें अपने आइम्मा से सीखना है कि एक रुख जिंदगी में बढ़ने ना पाए। घर टूटने के असबाब में यह भी होता है, कोई इधर इफराती बन गया, कोई उधर तफरीती बन गया, एक मजहब के उस किनारे पे खड़े हो गए, बस इमाम जमाना का जहूर हम तलवार लिए खड़े, और एक बेदीनी को उस किनारे पे चले गए कि इमाम जमाना क्या, हमें तो कयामत के भी आने का ख्याल नहीं। बैलेंस हमारा चला जाता है, बैलेंस हमारी जिंदगी का छीन जाता है, खिदमत खत्म लगे तो मुसल्ला छूट गया, मुसल्ले पे आए तो फर्श आधा छूट गया, फर्श आधा पे आए तो मुसल्ला बुझता तो भाग जाते। देखिए मैं डरता वरता नहीं हूं, ज्यादा ज्यादा पिटाई कर देंगे ना मेरी, मुशाहदत हो जाएगी, मैं तो इंतजार में हूं कि मुझे नसीब हो जाए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि अपने भाइयों के हाथों से नसीब हो। तो मेरे अजीजों बैलेंस नहीं खोना चाहिए, अली के हर गुलाम के सीने पर अगर मातम का दाग हो तो पेशानी पर सद्दे का निशान हो, अली के हर गुलाम के हाथ अगर मातम के लिए दोनों सीने पर पड़ते हैं तो यही दोनों हाथ तकबीर के लिए लुटते हुए दिखाई दे। अली का गुलाम जिस पर जज्बे और जोश में अगर अपने सर पे तलवार मार लेता है बेहद जज्बाती बन के, तो उसे सोचना चाहिए कि अली का सर तो सद्दे में था जब उस पर तलवार पड़ी थी। बैलेंस हमारी जिंदगी का नहीं खोना चाहिए, मासूमीन की जिंदगी का एक पैगाम, और ये मुश्किल काम मेरे अजीजों, जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ेगा, माहौल के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, रस्म और रिवाज को तोड़ना पड़ेगा, अपने नफ्स के खिलाफ उठ के खड़ा होना पड़ेगा, तब जिंदगी बैलेंस हो पाएगी। आदतों को बदलना पड़ेगा, मुश्किल तरीन काम है आदतों को बदलना और जिंदगी को बैलेंस बनाना, जो मासूमीन की जिंदगी का एक मौजज़ाती पहलू है कि इतना बैलेंस
कि किसी तरफ कोई हक तल्फी नहीं होती, हर तरफ बराबर से हक अदा हो रहा है, ना अल्लाह के हक की अदायगी में कोई कमी आती है, ना बंदों के हक की अदायगी में कोई कमी आती है, ना घर वालों की परवरिश में कोई कमी आती है, ना बाहर वालों के ऊपर तवज्जो देने में कोई कमी आती है, ना मैदान जंग में तलवार के जौहर दिखाने में कोई कमी आती है, ना कलम पढ़ के करके सुलोनामा लिख के फदत दीन के पैगाम के पहुंचाने में कोई कमी आती है। इतनी बैलेंस जिंदगी जिनके सरदार इमाम और अबुल इमाम और अफसल इमाम औलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, मिंबर पर नहीं दुनिया में किसी जगह आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मिंबर पे तो फिर भी और डरना चाहिए। अल्लाह नाराज हो जाए कि नालायक तुझे एक बुलंदी पे बिठा दिया, लोग तुझ पर एतबार करके तेरी बात सुन रहे हैं, तू अब यहां भी नहीं डरता मुझसे, गलत बयानियां करता है। मेरे अजीजों, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जान के अपनी मिल्लत के हर भाई हर बहन हर जवान हर बूढ़े हर बच्चे से कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगियों में जो अदम तवाजुन आ गया है खुदा के लिए से बैलेंस से बदलो। सिर्फ नमाजी नहीं बनना है, सिर्फ अजादार नहीं बनना है, सिर्फ खैरात करके काम नहीं चलने वाला, सिर्फ तिलावत कुरान करके काम नहीं चलने वाला, सिर्फ माँ बाप की खिदमत नहीं होगी, बीवी का ख्याल भी रखना होगा, बीवी की गुलामी से काम नहीं चलेगा, माँ बाप को भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरे अजीजों, बैलेंस बना के हम अपनी जिंदगी को चलेंगे तो जिंदगी कामयाब होगी। मैंने जनाब बहलोल का नाम लिया था, घड़ी की सुई जिस तेजी से घिसकती है मुझे उसका एहसास होता है, तेज किसे कही आप तो कहते हैं बहुत सुस्त चलती है, अगर आप तेज करना चाहते हैं सलावत भेज दीजिए। भाई समझ रहे हैं पानी पीने से कुवत घट जाएगी, तो और बेहतर सलावत भेज देना। मैं कोस नहीं रहा हूं कि आपने मुझे पानी दिया है कि पानी पी पी के, मैं अपने नफ्स को कोस रहा हूं, शैतान को कोस रहा हूं, इस जमाने की बदतरीन हालात को कोस रहा हूं, और हम सब मिल के दुआ करें कि मालिक हमें इन मुश्किलात से बाहर निकाले, हमारे फासले घटाए, हम सब अली के गुलाम हैं। ये कौन सी आफत आ गई है कि दूसरे के लिए नबी होते चले जा रहे हैं, वो पढ़ेंगे तो हम नहीं बैठेंगे, वो आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, ये मसाइल जो हमारी जिंदगी में पैदा हो गए, कौन पहले पढ़ेगा कौन बाद में पढ़ेगा। मेरे अजीजों, इस मिंबर के अदब व एहतराम का, इस मेहराब के अदब व एहतराम का ख्याल अगर हम रख के सोचें तो अल्लाह ने इस मिंबर को मुसल्ले से जोड़ा है। अगर मजहब के अहकाम में कहीं दिखाई देता है एक साथ जुड़ा हुआ, तो जुमे का की मेहराब और जुमे का मिंबर, मुसल्ले के लिए जुमे की इमामत के लिए कौन खड़ा होगा? जो खुतबे जुमा देगा। तो खुतबे जुमा कौन देगा? जो मुसल्ले पे खड़े होने के लायक हो। कम से कम इतना किरदार हमारे दरमियान पैदा हो जाना चाहिए कि मेंबर की बुलंदी पे आए तो मुसल्ले पे खड़े होने के लायक अपने को बना चुके हों। इस्मत नहीं पैदा हो सकती, लेकिन कम से कम अदालत तो पैदा करना होगी, सदाकत तो अमानत तो पैदा करना होगी। मेरे अजीजों, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बहलोल का जिक्र किया है, लादा बात को पूरा जरूर करूंगा। एक मरतबा जनाब बहलोल आलिम वक्त है, मैं अगर कहूं आलम वक्त है मैं तहरीन के साहब में तो गलत ना हो शायद, आलिम वक्त है, पैगाम दीन पहुंचाने के वो रास्ते अपनाए हैं जो जुनून के साथ मेल भी खाएं, समझदारों तक पैगाम भी पहुंच जाए। हुक्म इमाम से दीवानगी, वो दीवानगी जो होशमंदों की होशमंदी से भी ज्यादा आगे, लट्ठा समझते हैं जिसका पैगामा बनता वो नहीं, लकड़ी का लट्ठा जो लकड़ी काट के पहाड़ों में डाल दी जाती है, ऊपर दरिया बहा के नीचे ले आता है कश्मीर में, फ्री में ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने आपके यहां देखा, आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं, ऊपर से दरिया बहते हैं वही जंगल होते हैं, काट के डाल दिया, उसके अपनी अपनी अलामतें बना दी और नीचे खड़े हो गए, पानी बहा के ले आया, पकड़ लिया लट्ठा, जिसे शहतीर भी कहते हैं। छतों में जो लकड़ी के बीम पड़ते हैं, यहाँ तो लोहे के पड़े हुए हैं रेलवे लाइन वाले, हमारे यहाँ रेलवे लाइन चुरा के डाले जाते हैं, अच्छा करते हैं वरना रेलें पलटेंगी, पुराना होने से पहले काट ले जाते हैं, नया लग जाता है, जान बचाने के लिए करते हैं। तो वो बीम लकड़ी का शहतीर धन्नी लट्ठा जमीन पर पड़ा हुआ था पुराने जमाने में, मैं आपसे कुछ ज्यादा पुराना वराना नहीं हूं, पुराना जमाना कहूं तो आप समझे पता नहीं किस सदी के हैं। मैं यूएस गया कई बार पहले, ले गए अपने आसारे कंजमा दिखलाने, वहां क्या क्या रखा कर लगी अंगीठी, इसमें कोयला जला के हमें बापदादा खाना पकाते थे, ये तवा रखा इस पे रोटी पकाते थे, ये बुकनी है, दसपना है, चमचा। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ आसारे कदीमा में है, हमारे यहाँ तो यही आज भी आसारे जदीदा में।
तो मेरे अजीजो, लट्ठा समझ गए ना, एक शहतीर, एक धन्नी, एक लट्ठा जमीन पर पड़ा, यहां से वहां तक बराबर। बस पुराने जमाने में दो बैलों के पीछे लकड़ी का एक टुकड़ा बांध के खेत को इससे बराबर किया जाता था। अब तो समझ गए ना, अब उसे जनाब बहलो लट्ठा पड़ा हुआ एक कनारे से उठाया, इधर खड़े हुए उठा लिया, ये मेज रखी है लंबी आंस वहां तक, उस कनारे से जाके उठाइए, आसानी से उठ जाएगी। कि दूसरे कनारा है उधर से उठाया, वो भी उठ गई, 30-40 किलो की शैतीर रही होगी, इस कनारे से उठाया उठ गई, उस कनारे से जाके उठाया उठ गई। अब जनाब बहलो लाए 20 से उठाने के लिए, आजकल वेट लिफ्टिंग हो रही देख रहे ना, तो उसमें जब 20 से आके उस 40-50 किलो 100 किलो जितना वजन कर रहा हो, इस कनारे से उठाया उठ गया, उस कनारे से उठ गया उठाया उठ गया। अब 20 से उठा रहे तो कभी इधर ही होता, कभी इधर ही होता, कभी इधर ही होता, कभी इधर होता, का बोलो क्या कर रहे हो, का देखा तुमने इधर से उठाया उठ गया, उधर से उठाया उठ गया, 20 से उठा के बैलेंस कर रहा हूं तो नहीं हो रहा, बस तुम्हें जिंदगी में बैलेंस करना यही है। एक किनारे से जिंदगी को उठा के चल पड़ना आसान है, इधर वाला कोना कंधों पे आसमानों पे हुकू के खुदा अदा हो रहे, और नीचे पीछे हुकू को नाश वाला कोना जमीन में किसका चला जा रहा है। चल पड़े हुकू नाश वाला कोना, मां बाप की खिदमत आसमानों पे जा रही हो, बीवी कूड़ा घर में, वो चले गए दूसरे सौजा, दीन के बाद सबसे बड़ी नेमत अब खर खाद घूस घास मां बाप वो कुछ नहीं, बैलेंस चला गया। का बैलेंस को जिंदगी में बरकरार रखना कि खुदा का हक बंदों के हक से टकरा के कमजोर ना होने पाए, बंदों की हक की अदायगी में खुदा का हक छूटने ना पाए, बंदों में इनका हक अदा करे तो उनका हक ना चला जाए, का जिंदगी में बैलेंस करना ये सीखो। जो आखिरत की सिरात पे जंग से निकल जाना चाहते हो तो इस बैलेंस को, ये दुनिया की सिरात है, इस पर बैलेंस करके चलना सीख लो, आखिरत की सिरात पे खुद से निकल जाओ। मासूमीन की जिंदगी का जो सबक हमें मिलता है, मौला अली की जिंदगी में भी है, अभी 2-3 दिन इंशाल्लाह तस्किरे में सीरत के रखूंगा तो खुसूसियत से मौला अली की ज़ाते गिरामी के वाकयात भी आपकी खिदमत में करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं अपनी बात को यहीं समेटता हूं। बैलेंस थी उनकी जिंदगी, कितनी बैलेंस है, कितनी बैलेंस है, और इतना हुकूक की अदायगी का ख्याल है कि जिसका नमूना देखने को नहीं मिलता है। अगर मुसल्ला बिछता है तो सूरत हाल क्या होती है, रोज आप वाकया सुनते हैं, पैर में तीर लग गया, छूते है कोई तो दर्द होता है, तकलीफ होती है। मिजाज शिनास कौन है इनका, कोई सच्चा था जिसने कहा था मुझे बस दो ने पहचाना, मेरे खुदा को बस दो ने पहचाना, तो उसको बस दो ने पहचाना, का मेरे खुदा को या मैंने पहचाना पहचाना या मेरे अली ने पहचाना, मुझे या मैंने या मेरे अली ने पहचाना या मेरे खुदा ने पहचाना, मेरे अली को मैंने पहचाना या मेरे खुदा ने पहचाना। निजात शिना से कहा क्या कर रहे हो, नमाज पढ़ ले दो, पैर से तीन खेच ना पता भी नहीं चलेगा। तो हुकूक के खुदा की अदायगी का आलम यह है कि खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं तो पैर से तीर खिंच जाता है तो पता नहीं चलता, ये बैलेंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंदगान ने खुदा के हुकूक की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। रिवायत का एक छोटा सा नमूना सुने और बात को खत्म करूं, मसाइब के चंद फिक्रे, फिर इंशाल्लाह आप मसाइब जाकिर से सुनेंगे जो इंशाल्लाह बेहतर तौर पर आपको मसाइब का तस्करा करके रुलाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर तशरीफ ला चुके मेंबर के पास आके बैठ जाए, ताकि जैसे ही मेंबर से उतरूं बिस्मिल्लाह बस वो फौरन मसाइब के तसलसल को जोड़ दे, उससे हम सब मिलकर रो लें। मेरे अजीजों, ये तो है हक के परवरदिगार की अदायगी की सूरत हाल, और बंदों की अदायगी की सूरत हाल क्या, रिवायत कहती है अली हाकिम वक्त है, जिस वक्त हाकिम तो हमेशा से थे, लेकिन जब इन जाहिर भी निगाहों ने भी उन्हें हाकिम मान लिया था। और ये जुमला मैंने गुफ्तगू के दरमियान सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके सामने दोहराता हूं। अली यूं तो आलम इस्लाम में चौथे खलीफा माने जाते हैं, लेकिन आज जो हाकिम को हाकिम बनाने का तरीका रायज है वो या इलेक्शन की अक्सरियत है या रेफरेंडम है। हकीकत यह है कि पूरी मिल्लत इस्लामिया ने इत्तेफाक राय, अक्सरियत राय से नहीं, इत्तेफाक राय जिसे अपना हाकिम माना है वो पहली जात अली की जात। उससे पहले जो हुक्काम गुजरे, खुलफा गुजरे,
کچھ کو چند سربراہوں نے مانے لیتے ہیں, قبیلوں کے ذمہ داروں نے مدینے کا منتخب کر لیا, بعد میں پبلک سے منوا لیا گیا. اس کے بعد ایک کمیٹی کے سلیکٹڈ لوگوں نے مان لیا, پھر منوا لیا گیا. اس کے بعد جس کو مانا گیا تھا اس نے منوایا مان لیا, ایک کے پچھلے والے نے اگلے کو منوایا مان لیا, پھر انہوں نے کمیٹی بنائی انہوں نے مان لیا. تو پبلک سے 100% اتفاق رائے کے ساتھ جو پہلا حاکم ظاہر اسلامی آیا ہے وہ علی کے ساتھ. اگر اسی اصول پہ بھی طے کیا جائے تب بھی میں تو کہوں گا وہی ہوتے ہیں پہلے خلیفہ جس کو عالم اسلام مانتا, ایک ایک مسلمان مانتا ہے, کوئی اختلاف نہیں کرتا, فرقوں میں بھی اختلاف نہیں, اس وقت کے افراد میں بھی اختلاف نہیں, ایک یہی ایک ذات ہے جس کو پورا عالم اسلام مانتا. تو یہ معنی میں تو بہرحال ہے. تو اللہ کے بندے ایسے کہ پیر سے تیر نکل جائے, راتوں میں جنگل میں جا کے مناجات کرتے کرتے رونے کی آوازیں, مناجات کی آوازیں بند ہو, ابو دردا سمجھیں کہ دنیا سے رخصت ہو گئے علی, سنا چکا ہوں. مگر حقوق خدا کی ادائیگی کا عالم یہ کہ صبح سے نکلے ہیں کوفے کے بازار میں, کسی پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں کوئی بے کسی کے عالم میں تو نہیں ہے, کہیں کوئی کمزور تو نہیں ہے, کہیں کسی کنیز کو اس کا آقا تو نہیں ستا رہا, کہیں کوئی یتیم بچے دھوکا تو نہیں کھا رہے, کہیں بازار میں بےمانی تو نہیں ہو رہی ہے. اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ, لیکن عیسائی عالم جاٹ جداب جیسا انسان اقرار کرتا ہے کہ بازار میں آج ہمارے ملکوں میں اور یہاں بھی اگر حکومت کا کوئی چھوٹا سا ذمہ دار آ جائے تو آگے پیچھے ایک لاؤ لشکر چلتا, پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کوئی ڈی ایم کوئی اے ڈی ایم کوئی منسٹر کوئی پرائم منسٹر چیف منسٹر کوئی بڑا عہدے دار آ رہا ہے. مولا علی کا کردار کیا, اتنی بڑی حکومت کا مالک, اتفاق رائے سے مالک, لیکن بازار کوفہ میں گزرتے تھے لوگ پہچانتے نہیں تھے تو آہستہ سے آواز دیتے تھے اپنے خلیفہ کو راہ چلنے کی جگہ دے. دن بھر کی مشقت کے بعد عرب کی تیز گرمی میں دوپہر میں تشریف فرما ہوئے گھر پہنچے, دروازے پر تو ایک بی بی بیٹھی ملی, سر پہ چادر بیٹھے بیٹھی ہے, پریشان ہے, گریہ کر رہی رو رہی, کہا مولا میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے, میری مدد کر دی, سخت گرمی کا وقت, ایک سیکنڈ کے لیے اگر علی اس کیفیت کا اظہار نہ کرے تو دنیا اس کی قدر نہ پہچانے. ایک سیکنڈ کے لیے علی نے کہا کہ ذرا دھوپ کم ہو جانے دے پھر چلتا ہوں تاکہ وہ بھی آرام سے بیٹھی رہے, دھوپ کم ہو جائے اسے بھی تکلیف نہ ہو. اور علی بھی تھکے ہوئے دن بھر کے دھوپ کھا کے عین تبادت آفتاب کے وقت تشریف لائے, مگر کہتے ہی کہ ذرا دھوپ کم ہو جائے چلتا ہوں, پھر مولا نے کہا کہ نہیں اتنی دیر بھی انصاف کرنے میں ٹھیک نہیں, چل میرے ساتھ. لے کے گئے دروازے پہنچے, زنجیر ادھر بجائے, اس خاتون کا جوان شوہر نکلا, علی کو پہچانتا نہیں. مولا نے کہا کہ اسے تو نے گھر سے نکال دیا ہے, اگر اس نے غلطی بھی کی ہے تو اسے معاف کر دے, اسے گھر میں رکھ لے. وہ اور بگڑ گیا, علی کو پہچانتا نہیں تھا, کہا تم کون ہو کیا سفارش کرنے والے, اس کا دماغ اور پلٹا کہ اجنبی کیوں آیا سفارش کرنے, بدنصیب تھا وہ, اگر ذرا سے بھی دین میں کہیں ایمان ہوتا تو معرفت میں دیر نہ لگتی, مگر آ گیا ایمان. کہا تم کون اپنی سفارش کرنے والے, اچھا یہ سفارش لے کے آئی, ہمارے درمیان ایسی تابوتیت فرونیت فوراً کھڑی ہو جاتی, لڑکے ہم نے نکال دیا, البتہ دونوں کام ہوتے ہیں, اب میاں بیویوں کو ہم نکالتے ہیں, بیویاں میاں کو زیادہ نکالتی ہیں, حالانکہ ساری زندگی بےچارے میاں میاں کیا کرتے ہیں بلی کی طرح, پھر بھی میاں کو نکال دیتے ہیں. تو جو طاقتور ہوتا ہے اب تمہاری مجال سفارش کراؤ گے, اب تو اور نہیں, فنا صاحب کہتے ہیں اب تو اور نہیں, اکڑ بڑھ جاتی. مولا نے کیسے رکھ لے, معاف کر دے, کہ تم کون ہوتے سفارش کرنے والے, اب تو میں اسے ماروں گا بھی اور جلاؤں گا بھی. بس روایت کہتی ہے ایک مرتبہ علی نے ذوالفقار کھینچ لی, تیری یہ مجال کہ تو ایک کنیز خدا کو زندہ جلائے گا مارے گا, اب علی کی حکومت اب لو انصاف میں ظلم ہوگا. علی جب بات کر رہے تھے تو ایسا نہیں کہ کوئی اور انہیں نہیں پہچانتا ہے, محلے والے دوسرے جانتے ہیں کون ہے, لیکن علی کا تو روز کا دستور یہی ہے, اس غریب کے گھر پہ کھڑے ہیں, اس کنیز کے گھر پہ کھڑے ہیں, اس بیوہ کی مدد کر رہے ہیں, اس لیے کوئی متوجہ نہیں تھا. جب علی کی آواز بلند ہوئی, ذوالفقار ہاتھوں میں آئی تو لوگ دوڑے, کیا ہوا؟ تو مولا نے کہا یہ کہہ رہا ہے اس کو جلا مارے. اس نے کہا تم پہچانتے ہو کون ہے؟ یہ علی خلیفۃ المسلمین ہے. اس نے قدموں میں سر رکھ دیا, کہا مجھے مولا معاف کر دے, میں جانتا نہیں تھا. کہا بس مجھے تم سے صرف ایک بات راضی کر سکتی ہے کہ تم حقوق کی ادائیگی کی عادت ڈال لو. یہ جملے کو یاد رکھیے, مجھے ایک بات یاد کر سکتی راضی کر سکتی حقوق کی ادائیگی کی عادت ڈال لو. اس کے بعد مولا نے
उस जवान से कहा अपनी बीवी को घर के अंदर बुला और उस औरत को भी समझाया कि आइंदा ऐसी कोई बात न करना कि ऐसा शदीद रद्द अमल तुम्हारे शोहर की तरफ से आए। मैं अपने हर भाई और बहन से यहीं पर बात को खत्म करता हूं, अली की जिंदगी के पैगाम को देख लो, अल्लाह के हुकूक भी अदा होते रहें, बंदों के हुकूक भी अदा होते रहें। आज जिस रात का आगाज हो चुका है इस रात पे नजर डालिए तो यहाँ भी अली दोनों हुकूक को अदा कर रहे हैं। अपनी बेटी के घर पे मेहमान होके आए, चंद मिनट मुझसे तीन चार मिनट बढ़ गए हैं, मैं अपने बरादर अजीज से माजरत खा हूँ, इंशाल्लाह वो मसाइब की शिद्दत के जरिए उस मिनट जो कम हुए उसको पूरा कर लेंगे। मेरे अजीजों, अली अपनी बेटी के घर में मेहमान है, जनाब उम्मे कुलसूम ने हमने अभी आपने इफ्तार किया, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि घर पे हम अपनी मर्जी की ज्यादा चीजें पकवा लेते हैं इसलिए नमाज पढ़ के घर जल्दी से चले जाते हैं, मगर आपके मौला के मिजाज क्या है, बेटी ने घर पे बाप आए दो चीजें ला कर रख दी रोटी के साथ, नमक और दूध ला के रख दिया, उठा बेटा कभी तुमने अपने बाप को रोटी के साथ दो चीजें खाते देखा है? एक ऐसा मजलूम आका था और कैसी जालिम दुनिया थी, बदनसीब दुनिया, क्या बेटा कभी दो चीजें खाते देखा है? कहा, हाथ बढ़ाया बेटी ने, आज सबको पता है आज मेरे बाबा की आखिरी रात है। एक मरतबा दूध नमक की तरफ हाथ बढ़ाया, जरा मैं बिल्कुल सूखने के नमक को उठा ले, मगर हाथ रखा बेटा दूध उठा लो, मुझे नमक के साथ रोटी खा लो। रात इस आलम में गुजरी है कि कभी रात को मसल्ले पे जाके दुआ और मुनाजात हो रही है, नमाज और इबादत हो रही है, और कभी अली इतने बेचैन है कि हुजरे से बाहर निकल के आसमान पे निगाह डालते हैं, कितनी देर रह गई बारगाह इलाही में हाजिरी में, कितनी देर रह गई बारगाह इलाही में हाजिरी में। इबादतों को अंजाम देते हुए अली निकले, दरवाजे पे पहुंचे हैं, घर में पली हुई मुर्गावियों ने एक मरतबा अली के पुष्प नौहा शुरू कर दिया, लिबास को चोंच से पकड़ के अली को रोकने की कोशिश की, कैसा मेहरबान इंसान है, किसी बाप के सीने में भी ऐसा दिल नहीं होता। पलट के कहा, ये मुर्गावियां अगर इनका ख्याल रख सको तो इन्हें पालना, और अगर इन्हें दाने पानी का इंतजाम न कर सको तो आजाद कर देना। मैं कहूंगा मेरे मौला आपके सीने में कितना मेहरबान दिल है, आप परिंदों को भी भूखा प्यासा रखने पर राजी नहीं है, मगर करबला में आपके गोद के बाले और नन्हे नन्हे बच्चे भूखे और प्यासे हैं, सूखे गले पे खंजर चलाया जा रहा है। हुकूक को अदा करते हुए अली पहुंचे, उठो नमाज के लिए, उठो नमाज के लिए, उठो नमाज के लिए, अपने कातिल को भी जगाया, बंदगाने खुदा का हक अदा हो रहा है, चाहे वो दुश्मन खुदा हो अली हो, और उधर जाके हक्कुल्लाह की अदायगी शुरू की, पेशानी सज्दे की तरफ जा रही है, इब्न मुल्जिम का वार पड़ा, सर दो पारा हुआ, खून का फव्वारा उबला, खाक उठा के मुट्ठी में पेशानी के जख्म भरी, आयत पढ़ी, इसी से पैदा किए गए, इसी में वापस जाना है, आसमान से मुनादी की नदा आई, अरे अली मुर्तजा मारे गए, वसी मुस्तफा मारे गए, नबी का जानशीन कत्ल हो गया, वल्लाह लकद तहदमत अरकानुल हुदा وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.